अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हजरात, मजामत के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जहांजेब। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम हर इंसान की जबान पर है। जिस जिसने उनके प्लेज उनकी फिल्म्स देखी हैं वो उनके गुण गाता है, उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत भी करते हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने 28 हिट प्लेज दिए, कई फिल्में दी, हमारे मेहमान हैं खलीलुर्रहमान कमर साहब। वेलकम। दो हजार तीन में एक कनेडियन पैजेंट कंपनी ने पाकिस्तान में मिस वर्ल्ड कराने का सिलसिला शुरू किया और पाकिस्तान को भी दीगर कंट्रीज की तरह ये मौका मिला कि हुस्न को सराहा जाए। पाकिस्तानी खवातीन बहुत हसीन है, किसी से कम नहीं है, और इस बात का सबूत हमारे साथ हमारी अगली मेहमान है जो इस साल की मिस पाकिस्तान सिलेक्ट हुई है, सना हयात। वेलकम। वेलकम सलील साहब, वेलकम टू द शो। सना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सलील साहब। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि खलीलुर्रहमान कमर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेमिनिस्ट है जब तक आप एक अच्छी औरत हैं? या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, माय गुड वुमन आर माय प्राइड। Okay. And I wish I should be their bride. Wonderful. Sana, as a representative of Pakistan, खवातीन के लिए काम करना कितना मुश्किल है उस पर जरा रोशनी डालिए। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके लिए डबल माइंडेड हो जाती हैं। सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सब चीजों को लेकर अपना करियर बनाना पाकिस्तान में लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत सी हार्डशिप फेस करनी पड़ती हैं। काम भी आसानी से नहीं मिलता, टैलेंट बेस पर नहीं मिलता और उनको बहुत सी मुश्किलात फेस कर बहुत सी चीजों को आगे तक लेकर जाना पड़ता है। तो बहुत डिफिकल्टीज हैं लड़कियों के लिए, सैडली। सर, जैसे सना ने कहा कि बहुत मुश्किलात हैं खवातीन के लिए, क्या आप अग्री करते हैं? सर, इसको आई होंगी ना मोमी तौर पर। सर, इस बात का क्या मतलब है? बिल्कुल आई हैं और उनको फेस भी। सर से पूछ, नहीं बोला जी। सर देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हम आपका सबसे बड़ा बुरी गुफ्तगू उस वक्त होती है जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर करते हैं। True. तो आपकी जनरली नॉलेज अबाउट द थिंग्स इज पुअर एंड लो। ऐसा है, देर आर सर्टन एरियाज जहां पे औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन देर आर सर्टन बिग एरियाज टू जहां मर्दों के साथ ज्यादती हो रही है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर प्राइवेट सेक्टर में अगर लड़की सबसे पहले इस बात पर ईमान ले आए कि मैंने मेरिट पर काम लेना है तो मेरिट पर काम मिलेगा, फिर ये कुछ और कामों के जरिए काम लेने लगती हैं, उससे मर्दों के हक मारे जाते हैं। तो आइए मेरिट पे खेलिए, फिर आप 33% का कोटा ना लीजिए असेंबली में बैठने के लिए, उस वक्त आपको इक्वलिटी और बराबरी याद नहीं रहती। तो द बेस्ट इज ऑल टू स्पीशीज शुड बी बिलीविंग ऑन मेरिट। अगर आपका बिलीफ मेरिट से हट गया है तो लड़कियों के लिए आसान रास्ते हैं। जी सना, आप बताइए कि आपको ख्वातीन और मर्दों की बराबरी पर यकीन है? बिल्कुल, मुझे मर्दों और औरतों की इक्वालिटी पर बिल्कुल यकीन है। मुझे लगता है कि औरत और मर्द दोनों इक्वल हैं। आप मर्द को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप औरत को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि औरत को ज्यादा इज्जत दी जाए या मर्द को कम, नहीं। आप दोनों को इक्वालिटी बेस पर रिस्पेक्ट दें तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सर, आपकी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी में हीरोइन का किरदार बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अवामुन नास की राय के मुताबिक बिल्कुल बरअक्स है कि खवातीन ऐसी बिल्कुल नजर नहीं आती। डू यू अग्री विद दैट सर? कौन सी अवामुन नास? सर, जनरल पब्लिक यानी आदमी। नो, अगर ये अवामुन नास की राय होती जी तो ये वाली बात में मुझ तक पहुंच गई होती। अच्छा, सबसे पहली बात यह कि मेरे यहाँ औरत स्ट्रांग है और उसके बाद मैं औरत को स्ट्रांग देखना चाहता हूँ। Right. ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। जब इनकी स्ट्रेंथ कहाँ लूज होती है, यहाँ ये बराबरी का ढकोसरा मारती हैं। औरत और मर्द फितरी तौर पर ना बराबर थे ना हो सकेंगे। अच्छा, देर आर डोमेन्स जहाँ औरत इतनी बड़ी है कि मर्द होता है उस तक पहुंच नहीं सकता। Right. And there are domains जहां मर्द इतना बड़ा है कि औरत उस तक नहीं पहुंच सकती। ठीक। तो ये उल्लू के पट्टों वाला ख्याल है कि औरत और मर्द जो हैं, they are equal some or the other।
आप अपनी अपनी डोमेन में रहना होगा, आपको मैन्युफैक्चर्ड इस तरह किया गया है और आपको एरियाज अता किए गए हैं, ये एरियाज हैं जिसमें आपका बड़ापन हमेशा रहेगा, और ये एरियाज हैं जहां मिसाल के तौर पर हमारे यहां गलतियां की गई, हमारे यहां मौलवियों ने गलत तर्जमे किए। जब बात आई कि मर्द को औरत पर फजीलत हासिल है, तो बजाय ये बताने के ये फजीलत क्या है, ये फजीलत थी कि मर्द को उसके नान नफके का बंदोबस्त करना था, उसकी सिक्योरिटी करनी थी, उसका ख्याल रखना था, ये फजीलत थी जो औरत की जिम्मेदारी नहीं थी, औरत को उसके बदले में सुकून देना था। तो ये बजाय इसके ये बातें हम समझाते और ये वाला नारा अकर ही ना करता कि खुदा ना खास्ता ये सुपीरियरिटी है, सुपीरियरिटी नहीं है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। आप अपने अपने स्टेयरिंग पर बैठे रहिए, मैन इज एन इकोनॉमिक यूनिट, वुमन इज अ सोशल यूनिट, जो ही हम स्टेयरिंग बदलते हैं तबाही शुरू हो जाती है। सो डू यू बिलीव के खवातीन को काम नहीं करना चाहिए? कोर्स करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? फिर आपको एरिया देखिए, मैं अभी एक बात कह के बैठा हूँ जी, देर आर सर्टन एरियाज, बिल्कुल मुझे बताइए, फर्नेस के सामने औरतें काम कर लेंगी? मुझे बताइए गटर निकाल लेंगी? नहीं, मुश्किल क्या, सीधी बात बोलिए, मुझे बताइए सड़कों पर लुक डाल लेंगी? नहीं डाल सकती ना, अगर ये हम बेवकूफों की तरह उनको सिन्फे आहन बनाएंगे तो उनकी तौहीन करेंगे, उनका सबसे बड़ा प्राइड ये है कि वो सिन्फे नाजुक हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये वो उसकी उनकी डोमेन है ना जी। तो सिन्फे नाजुक के कुछ काम है वो कीजिए ना। अच्छा। मेरे कामों में दखल अंदाजी मत कीजिए, मैं आपके कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता, कुछ भी कर लीजिए आप। राइट राइट सर, यानी फेमिनिस्ट तहरीकें जितनी हैं उनकी तमाम साल जो कोई फेमिनिस्ट तहरीक नहीं है, एक तो ये तहरीक नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है, ये फंडेड औरतें थी, कुछ नौकरियां यहाँ मिलती नहीं थी, मुंह तेना मथा जिन पाड़ो था। खवातीन के बारे में यूं तो ना कहें, आप खुद खवातीन के इतने पैरोकार हैं। वो खवातीन नहीं है ना भाई, खवातीन की एक डेफिनेशन है मेरे पास। अच्छा, वो खवातीन होती तो ये बिगाड़ शुरू होते, इस तरह के घटिया और गलीज नारे सुनने को मिलते। हम जो हमारे यहाँ देर आर सर्टन एरियाज इन द कंट्री, यू लिव इन अर्बन एरिया, आपको तो पता ही नहीं, आपका जो अनअर्बन एरिया है बिल्कुल, वहां पर बीवी का नाम नहीं लिया जाता, डेरा बोलते हैं, ये एहतराम है बजाय इसके कि उसका जिस्म का नाम ले। इट इज सच अ शेम, आप बाप को गाली दे रही हैं सड़क पर खड़े होके, अमरूदा के दरख्त तो गिए हो तुसी। सना ये बताएं आपकी रोल मॉडल कौन है, स्पेशली जब आप मिस पाकिस्तान मुंतखब हो गए? सबसे पहले तो आई इन्फ्लुएंस्ड बाय माय सेल्फ। अच्छा, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योरसेल्फ? यस, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलात आई हैं मैंने अकेले फेस की हैं। अच्छा, मेरे जो भी करियर के डिसीजंस थे वो मैंने खुद लिए हैं, मुझे किसी की तरफ से नहीं नरेट किया गया कि तुम ये करो या ये करो, मुझे हमेशा लोगों की तरफ से या फैमिली की तरफ से डीमोटिवेट ही किया गया है। अच्छा, मैंने फैमिली ने भी डीमोटिवेट किया? फैमिली भी, बिकॉज मैंने आपको बताया लड़कियों पे सोशल प्रेशर बहुत होता है, मीडिया रिलेटेड जब आप कोई स्टेप अपनी लाइफ में लेते हैं तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। अच्छा। तो मेरे जो डिसीजन है वो मेरे अपने लिए हुए हैं और मैंने उनको बहुत स्ट्रांगली जो है मतलब अपनी चीजों को लेकर आगे चली हूँ, और उसके बाद अदर देन मी मुझे मरियम नवाज जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो इसलिए कि वो बहुत कुछ एज अ वुमेन फेस कर रही हैं, वो एक अलहदा बात है, करप्शन एंड एवरीथिंग जो भी हम इन चीजों को, मैं एज अ वुमेन उनको जो देख रही हूँ कि वो हर चीज को फेस करके स्ट्रांगली हमारे सामने खड़ी रहती हैं। हनीफ, ओहो, ये है बेगम, ये है मेरा बेगम। कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घुमाऊं, सीधा खड़ा हूं। नबील को स्कूल से कौन लेके आएगा? हाँ, उसको नैयर याद लेके आएगा। आज आपको पता क्या दिन है? आज इन्होंने मशीन लगानी थी कपड़े धोने वाली। अच्छा, मैंने मशीन कपड़े ये धोते हैं? हाँ, और क्या। तो आप? मैं तो अपनी सहेलियों में पार्टीज करती हूँ ना, पार्टीज। आप सिर्फ पार्टी करते? सिर्फ पार्टी नहीं, पार्टीज, पार्टी हर पार्टी में चली जाती है, कभी पीपल्स पार्टी में चली जाती है, अभी नूर पार्टी में चली जाती है। अच्छा, जो औरतें पार्टी करती है ना उनके मर्द फिर लोटे हो जाते हैं। तो ये लोटा ही है? जो घर पे बैठा हुआ है वो लोटा नहीं है। अल्लाह मेरी तौबा, चिल करो, चिल बॉडी, देखो सारी रेड़ी वाली औरतें ने, मतलब अपना खामद खरीदा वापस करके कुछ चाहिए ना, क्या करूं, घर करते ही नहीं है, घर के काम भी तो इसी ने करने होते, क्या हो गया, थोड़ी सी गर्मी पै जाए ऐसा चिकड़ होता ना मुंह देखो, ग्रेट कर रही है तुम्हारे हस्बैंड। अच्छा, एक मिनट, वो कहाँ है? ओ, मिस यूके तो बाहर ही रह गई। मिस यूके?
मैं बुलाती मिस यूके। हाँ मिस यूके मेरी सहेली है। कम टू कलेज दिलदार प्यार दे गंडेरी चुप ले। कलेज दिलदार प्यार दे गंडेरी चुप ले। मिस यूके जी मिस भूके जेड़ी है तू भी करे तेरी लत सुती है। ठंड पवे की कलेज दिलदार प्यार दी गंडेरी चुप ले। क्यों नहीं करदा तेरी लत उची नहीं है तू भी। मैनू समझ नहीं आ रही तुहाडा फंक्शन है या तुहाडा कारोबार है। ऐसे पब्लिक इकट्ठी होती है हमारे एहतजाज सब दुनिया मिल जाएगी। एक सेकंड कौन सा एहतजाज। हम हमारा मेरा जैसा मेरी मर्जी हमारे साथ मर्द जो कर रही है वो ऐसे करते हैं चाहिए। आप शादीशुदा हैं और मैं गुमशुदा हूँ। क्या कर रहे हैं मर्द आपके साथ। मर्द एक जाती देखे ना हमने एहतजाज पे जाना है उसके हेडमन हेडमन एडमन मैंने ये व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है औरतें मैं ना दूसरों को सेंड करता हूँ वो फिर डिलीट कर देते हैं। बोलो तुम बोलो। मेरी तो बात में ये है नहीं बोलता रहता है खुले नए नक्शा वाला ये एमी भी अंग्रेजी का लफ्ज़ से बात करो। अच्छा क्या ये मेरी बीवी तुम इसकी सहेली हो। तो इसकी वजह से इज्जत है। मेरी सहेली को ऐसे मत करना मैंने तुम्हें बता दिया मुझे डिग्रेड कर रहा है जान। मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर से बाजी। नहीं जाना नहीं जान बाजी ये क्या खिचड़ी पकाई हुई आपने। समझ नहीं क्या बोलना क्या तमीज नहीं उनको क्या बात है। कैसे घरों में रहने के लिए औरतों का पता किस चीज का होना जरूरी है। किस चीज का। घर का ख्याल रखना चाहिए अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए क्या? अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। ना कि ये तुम पार्टियां जो करती फिर रही हो बाजारों में आके बताओ लोगों को कि मेरा शौहर मेरे साथ क्या करता है। अभी रात को सामने देखो उसने कितना नाम पैदा किया है मुल्क के लिए मिस पाकिस्तान बनी है सब कुछ पहन के आ गई। देखो सिंपल बट ब्यूटीफुल। एक सेकंड सब कुछ पहन के आ गई मतलब क्या। ये देखो ना सर पे क्या लगाया हुआ है रक्षासी बनी हुई है। आप जेलस हो तेरी रक्षा करे। हाँ तो ठीक है पिशावर में पठानों के रिक्शे की ऐसी छत होती है। बाजी देखो केड़ी मॉडल औरत है पिशावर के रक्शे का भी पता है। बाजी लाल पट्टी उन्हें ऐसे ही भाई जी में बाजी वाले की कुड़ी है औरत देखो। आप लोग तालियां बजा रहे हैं ये कोई बात है ताली बजाने वाली। ए, वो मिस पाकिस्तान है वो इतना नाम उन्होंने रोशन किया अपना। तो हमने भी नाम रोशन किया है। किधर किधर रोशन किया है। छह बच्चे हैं मेरे थोड़ा रोशन किया है। रात को मेरा नाम लिख के ना मोमबत्ती जला देती नाम रोशन करती रहती है। साड़ के बुझाई साड़ के ने बुझाई नेचुरल ब्यूटी तुम्हें क्या पता हो गाजनी का मसाज कराती है। मुझे सिर्फ ये बता दें आप लोग किस बात का एहतजाज कर रहे हैं। इस बात का कि ये मर्द जाज कर रही है कि असली औरतों क्यों हैं इन्होंने को और मखलूक होना चाहिए था। क्या फजूल हम चाहती है हमारे हकूक हमें दो। हाँ घर में आओ चाय दो घर में आओ रोटी दो कपड़े धो कर दो इस्त्री करके दो हम इतनी कामों के लिए रह गई हैं। नहीं एक सेकंड चलें आप नहीं इन कामों के लिए मुलाजमाएं आपके पास होंगी या मुलाजिम होंगे। मुलाजमाएं औरतें नहीं होती। नहीं वो भी औरतें होती हैं। I was just going to say that वो भी औरतें होती हैं। अच्छा ये जो आदमी है ना ये हमें व्यस्त करने के लिए आया दुनिया में। अच्छा ठहर जो मैं तुम्हारे यहाँ से मैं तैयार कर लिया मैं ज़हनी तौर पे पका लिया है बेटा। एक सेकंड मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई अपने खावन को खाना देने में चाय देने में कपड़े इस्त्री करके देने में क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम क्या है। गैस आती नहीं खाना कहाँ पे बनाए। एक सेकंड वो खाने के लिए जो चीजें लेकर आता है वो भी तो खावन ही आता है लेकर। कहाँ पैसे क्या खुद कमाती हो। लोग दो दो ढाई ढाई बजे दोस्तों में बैठे रहते हैं। मैं सारी रात हार गई हूँ 1.5-2 लाख रुपया इसको फोन कर रही हूँ ये आ ही नहीं रहा। आप जुआ खेलते हैं। जुआ जुआ नहीं से बार 8-8 साल अंदर रहती है केड़ी गेम है जी नहीं आंदी लत थले तेन यके रख के बैठी रही। तो ये छह बच्चे कहाँ से आए आपके। बस ताश ही हो गए ने करके ताश चुक दी कहती लो जी मेरी तसार लग गई है। आप ना आपको क्वेश्चन नहीं कर रही आप अंदर अंदर से हमें जलील कर रही। आप थोड़ा सा पीछे हो जाए मतलब। पीछे की मतलब इधर आ जा तेरियां थुका पेंदियां मुंह ते उधर आ। बेबी को बेस पसंद है। अच्छा गड्डियां भी ठीक कर लेंदी मैकेनिक टाइप औरत है। अच्छा चले वो तो एक अलग मसला है आप को इनसे क्या शिकायत है। शिकायत यही है ये मर्द मैं आपको बताता हूँ सांप। कौन सराने का सांप। तुम मर्द ये औरतों देखो ये प्रॉब्लम है कि मर्द सराने का सांप। अगर वो तहफ्फुज़ ना दे तो भी बुरा अगर वो तहफ्फुज़ दे आपके बारे में ख्याल करे पूछे तो भी बुरा। तो आप क्या चाहती है कोई गमला दे दें आपको मर्द के नाम पे। ना तहफ्फुज़ देने के लिए मेरे पास हुमायूं सईद है मेरा बेटा अदनान जिलानी है अदनान सदीकी नु जलानी कही जा रही है। तो तीन बंदे दे जेंज फसे ने अब इतने बच्चे हैं ना ये औरत दा ब्याह होया ना नसार कादरी ने उन्हें पता लग जाए मिनट बाद इन पूछे माचिस होगी आपके पास।
फजूल बातें कर रहे हो तुम, अपनी बीवी को जलील कर रहे हो पूरी महफिल में। आयशा जी मुझे एक बात बताइए, मैंने इसे शादी की, इसको इज्जत दी, अपने घर लेकर आया, इसको घर दिया, इसको खर्चा दिया, हर चीज दी है, अब ये दूसरों को देख के अपना रंग बदलना चाहती है, क्या ये अच्छी बात है? देखिए रंग बदलना तो वैसे भी गिरगिट का काम है। नहीं गिरगिट नहीं, ये इच्छाधारी बीवी है। नहीं आशा जी देखिए मेरी सहेलियां ब्रांडेड सूट पहन, यस यस यस, ये देखो ब्रांडेड, ये देखिए ये देखिए ये अभी परसों आशा जाजेब ने पहना हुआ था। देखो तुसी ऐसा सिर जेड़ा ना जी, तुसी कभी जिंदगी नहीं वाला ना और बुरश ना बा सकते। क्यों? वाइपर ना सिर सीधा करके आंदी अपना। पेट्रोल पंप तो आने वाली औरतों ने। मोहतरमा आप कमीज मत उठाइएगा, आप ऑलरेडी काफी मशकूक तरफ हो गए। बाजी मैं विखाने जाना, मेरे चार ऑपरेशन होए थे। अच्छा नहीं हम शायद खंजर बजे ने, हम शायद इस नजारे की ताब ना ला सके, प्लीज हमारे ऑडियंस के सामने ऐसी कोई हरकत। वो ब्रॉड माइंडेड है ये तो शुक्र करी उसने ये जैकेट पहनी है। हाँ जी ये लारे की बहन है, ब्रांड लारा नहीं है जी, उन्हें भी लारा लाया सी। लारे की बहन हो, ये लाड़े की बहन है। अच्छा ये आपकी जो लारे की बहन है वो पीछे से खुल रही है, वो रिबन है। खुलना नहीं, इतनी जैकेट उतर जाने थे, 800-900 किरली बाहर आंदी। कंट्रोल कंट्रोल बाजी वे लो, बदतमीजी कर रहे हैं। हमारी सहेली का कुछ नहीं कहना, वजह जैसे हमने इसकी स्मेल को मैनेज किया ना, ये हम जानते हैं। आधी रात में उड़न भी ला पेंदी ने कौन ए दोनों ही, मुझे ये बताएं। अगर आप हमारे साथ चलो ना तो इत्तेजाज बढ़ सकता है। अच्छा खलील साहब आप मुझे बताइए कि इधर मैं गलत हूँ या ये इनकी सोच गलत है? देखिए मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, जोक से पहाड़, ऐसी औरत जो खावंद की कमाई के बाहर पांव फैलाती है तो दो नुकसान करती है, एक वो अपना घर बर्बाद करती है, बिल्कुल, और उसके साथ वो किसी और का घर बर्बाद करती है। किसी और का घर बर्बाद, मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप तारीख उठा लीजिए, औरत को कभी मर्द से इतना खतरा नहीं रहा जितना औरत को एक दूसरी औरत से खतरा है। इसको जब तक आप मुझे बताइए क्या कंप्लेंट है मर्द से कंप्लेंट है, वो दूसरी औरत के पास चला जाता है, वो दूसरी औरत कौन है? औरत। ये चीजें जब तक समझ में नहीं आएंगी, और ये वो वाला सेक्शन क्रिएट कर रही है। देखिए दो नंबर औरत मर्द को चाहिए, वो जितनी सप्लाई बढ़ा लेंगे आप अपना नुकसान करेंगी। ऐसे औरतों की सहेलियां इनके शौहरों को खा जाती है, मैं आपको बताऊं, एंड यू नो द न्यूमरस एग्जांपल्स। ऐसा होता है या मौशरा इस बात की, मतलब तो ये चीज़, मैं ये बात उस दिन भी जब ये मेरा इस बात पे झगड़ा हुआ तो मैं यही कह रहा था, एग्जैक्टली ये लफ्ज मेरे मुंह में थे कि आपने अपने सोशल सेटअप को बचाना है, आपने औरत की हुरमत को बचाना है, तो कलमा पढ़ के बजाय से कि ये औरत मार्च निकालती फिरती है, आप एक दफा कुरान शरीफ हाथ में लेके निकलिए और हलफ लीजिए कि आपका मर्द जो हलाल कमा के ला रहा है मैं उस पर गुजारा कर लूंगी। क्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी बुराई जो है वो बहुत सारे 80-90% हमारे बाप करते हैं, लड़की को उसकी मर्जी से ब्याही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेटी की मर्जी की बात जी जी, आप जिस बाप ने अपनी बेटी को ब्याहते हुए कुरान पे हाथ रखवा के उसकी मर्जी नहीं पूछी ना, उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं। ये वो जड़ है जिसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है कि वो वहाँ से हार कर आती है, और जिस आदमी के साथ 50-55 साल गुजारती है वो हमेशा के लिए उसको हरा देती है। औरत को बदला लेने के लिए बंदूक और तलवार की जरूरत नहीं है, और औरत की फितरत में बदला है। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। खलील साहब आपसे अलवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अलवी साहब, खलील कमर साहब, ये जो आप जदीद फेमिनिज्म की प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो इन प्रोडक्ट से माशरे को इनके बद असरात से कैसे बचाया जा सकेगा? ये तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जरा प्रोडक्ट तो देखिए, बताओ ना, हिलजुल भी तो डालो, तुम्हें नहीं कहना था प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको आपसे एक चीज अर्ज करूंगा,
एक मिनट मुझे दीजिएगा। जदीद और फेमिनिज्म दोनों बुरे लफ्ज नहीं। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि इजादात ना करने वाला मुल्क है, तो यहां पर किसी मौजद ने अपनी इजाद के डिमेरिट्स जानने हो तो वो अपनी प्रोडक्ट यहां भेजते हैं, हम उसको सारे डिमेरिट्स निकाल के बता देंगे कि इस तरह से हम मिस यूज कर सकते हैं। कहीं जब ये फेमिनिज्म शुरू हुआ था तो देवर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ, देवर डिमांडिंग फॉर इक्वल वेजेस, दैट्स राइट। जब औरत बराबर का काम कर रही तो उसको बराबर की वेजेस देनी चाहिए, बल्कि मैं तो चाहूंगा उसको 10 रुपए ज्यादा देनी चाहिए, उसके सिन्फ नाजुक होने का ख्याल रखना चाहिए। फिर जब उन्होंने डिमांड किया कि उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, आई एम फॉर दैट, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, लेकिन मेरिट के ऊपर दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बुरा जो काम किया जा रहा है, जो बेवकूफ औरतें हैं, बल्कि जाहिल औरतें हैं, चंद एक 35-36 इनको बोलता हूँ मैं, ये इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि औरत और मर्द का बंटवारा हो ही नहीं सकता, और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया, तो आपकी जरूरत है कि आपकी कुरान की साथ की तौहीन कर दें। इवेंचुअली जब आप अपने तजुर्बात के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है यही वो आयत है जो इट इज वर्किंग वेल ऑन यू। हम मर्द औरत के और औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती। तो मैं आप मर्द को गाली देने लगेंगी, मर्द जवाबन फिजिकली ताकतवर है, वो गाली देने का दूसरा तरीका ईजाद कर लेगा। उसमें हो सकता है वो मुंह का इस्तेमाल ना करे, हाथ का इस्तेमाल करे, वो भी तो गाली है ना। सही बात है। तो ये पहले तो ये बहस शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। मेरे यहाँ की अच्छी औरत को जूता निकाल के इनके मुंह पर मारना चाहिए था। दे डू नॉट रिप्रेजेंट माई वुमेन। लेकिन ये औरतों के हुकूक का इस्तेहसाल डेफिनेटली हो रहा है। उस इस्तेहसाल के लिए अब जब हमारी पढ़ी लिखी क्लास आगे आई है तो मर्दों से काम लेने की जरूरत थी, बजाय इसके कि उनको खफा कर लिया जाता, उनको गाली देके। मेरे जैसा स्ट्रांग वोकल और वोट जो है वो आपने जाया किया। और वो जो खातीन जो वाकईतन काम कर रही थी वीमेन राइट्स के लिए, उनके काम को भी जिक पहुंची इस वजह से, उनकी एफर्ट सारी जाया हो गई है, बल्कि इन बेहुदा और गलीज घटिया और बेशरम नारों की वजह से, ऐसे नारों के वो भी बदनाम हो गया। सर, जो देहात में बैठी औरत है, जब उसके माँ बाप ये देखते हैं कि इस किस्म के नारे लग रहे हैं, इस किस्म की मार्च हो रही है, तो वो कतई तौर पे से पढ़ने नहीं। एग्जैक्टली ये तुमने भी पढ़ लिख के कल को यही करना है, तुमने डांस करना है। वहां जब 9 लाख इंडियन फौज कश्मीर पर चढ़ दौड़ी थी, आप जहां नाच रही थी वहां अपने पर्स मेड्स के हाथ को हाथ में पकड़ा के, गाड़ियों में आप जाके नोटिस तो करती। इनकी मेडे इनके इनके पर्स लेके गाड़ियों में बैठी हुई थी भूखी प्यासी, और ये वहां नाच गा रही थी। ये अगर ये वाली औरत हमने प्रोड्यूस करनी है जिसको ये शर्म नहीं कि कश्मीर में हमारी औरतों के साथ क्या हो रहा है, तो डूब के मार दे, बल्कि इनको बाकायदा मार देना चाहिए। इनके जो बद असरात माशरे के ऊपर आ रहे हैं उसको किस तरह काउंटर कर सकते हैं? वो मैं आपको ये नेशनल टीवी पर करने की डिबेट नहीं है। ये बात आज नहीं आपको याद आएगी तो कल याद आएगी। आपके मुल्क से मेरिट का चले जाना दो नंबर औरत को प्रोड्यूस करेगा, याद रखिएगा। बहुत अच्छे जी 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 जी। मैं नहर पे लेके जाता हूँ। नहर वाले पुल पे बुलाके बाजी, आप जाके नहर वाले पुल पे बैठो, मैं आगे धक्का देता हूँ। फ्रेंड्स भी कह सकते हैं बाजी। थैंक यू। अच्छा, ये अभी तो हम हस्ती ऐसे लगते हैं किसी मुर्गी के ऊपर पाव आ गया। बीवियों को वोट दो अपने कपड़े आप तो बीवियों को वोट दो। ये स्टेप इसमें रखा, बीवियों को वोट दो। हमारा वोट बैंक भर रहा है। लेकिन आपके एक इंटरव्यू ने भरे पेड़ कर दिए जी। ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड
लड़की चली गई अब तो अंधा महीना तानू कलिया करना पवे तानू लगे मेरे शट अप केड़ी गल कर जा रहे ना अंधा अब बच्चे मेरे कोला रोटियां मांग दे ने दी मां आवे ते पका के दे ते दे मेनू कहंदे मैं जान मेनू कहंदे मैं जाना है मैं बस यही किया जा नहीं आई एनी तो जाब कपड़े तोड़े बन दे लग पता जावे हालात की बन दे असि ते पिछो गाने गाए जान वाला जांदी जांदा केड़ा रोग ला एक सेकंड हुआ क्या आपकी बेगम क्यों गई है नाराज एवी एवी कॉमेडी ने मशहूरी ली जा तो बताओ ना क्यों गई है एवी हल्का जा रोप पाया फिर निकल गई लड़के गई ने जी अभी अपना फोन अपना इंटरव्यू देगा खलील रहमान कमर साहब का मैं कि स्ट्रांग आदमी ने स्ट्रांग बंदे ने गल भी वड्डी करदे ने पावर वाली गल करदे ने इन्हां दी गल ते अमल करो सही अच्छा अच्छा अपने इंटरव्यू में मैंने ये कभी नहीं कहा बीवी पर रोक डालो एग्जैक्टली मैं तो तलकीन करता हूँ अपने दोस्तों को मर्दों को कि याद रखना घर में एंटर होते हुए अपनी मर्दानगी बाहर छोड़ जाना देखा इस गल का पता नहीं होता तुम गल कर दो ना मुंह से गुस्सा ही नहीं चढ़े होने लगता थप्पड़ मार दोगे उन्हें एक्सप्रेशन लिया ये बाकायदा मैं कई दफा कह चुका तीन चीजें बहसीत शादीशुदा मर्द आप मेरी याद याद मैं औरतों के सामने ही बोल रहा हूँ तीन काम कभी मत कीजिए एक घर में जाके मर्द मत बनिए घर जाके मर्द मत तुम लोग मर्द हो इसलिए शादी अब बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है कौन मर्द है जी एक मिनट रुक जाइए दूसरा काम मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ सर पहले दूसरी बात बताइए फिर वही उसी वजह से वो उस पे आएगा हम एक लंबी मीटिंग कर रहे थे होटल में मैं हुमायूं और नदीम उसमें एक वेटर चार छह दफा आया अब देखो वेटर सुन ना ले मैं उनसे प्यार करता हूँ बहुत तो मुझे ना कोई चौथी पांचवी दफा जब आया तो हुमायूं सैद ने मुझे कहा कि खलील भाई हमारी तो यार मिनट बाद आप पतलूने उतार देते हैं ये वेटर के साथ आप इतनी तमीज के साथ बात कर रहे हैं तो मैंने कहा भैया वो मेरे लिए खाना लेकर आता है कॉफी लेके आता है चाय लेके आता है वो उठा के कागज बीच में थूक दे मैंने क्या कर लिया तो मैं उससे प्यार करूंगा ना अच्छा ये इसमें उनको बुरा नहीं समझ मैं उनसे प्यार करूंगा वो एक्स्ट्रा केयर करेगी मेरी चीजों जी बिल्कुल ऐसे तो बीवी से जब काम कहिए तो मिन्नत से शुरू कीजिए और मिन्नत पर ही खत्म कर दीजिए सुन लिए ये बात वो आठवीं दसवीं दफा भी जब नहीं मान रही तो नौवीं दफा भी मिन्नत कीजिए जब वो मानकर काम करेगी तो बड़े शौक से करेगी और प्यार से करेगी बढ़िया मिन्नता की थी मैं तीसरी बात कभी अपनी बीवी के सामने अकलमंद मत बनिए शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट जितने बेवकूफ बने रहेंगे उसी में आपकी खलासी है अरे वाह वरना वो अपना सारा वक्त तुम लोगों को बेवकूफ साबित करने में जाया कर देगी मैं तो गल बिल्कुल नहीं अग्री कर रहा इन्होंने मैंने भी गल कही थी उस बाद मेरी बीवी ने फोन कर दिया कि आज तेरे को माफी मांगेगा मतलब कुछ होर ले लेंदे ना उन्होंने तो मतलब एक फराक पा के अपनी बीवी सामने करन के पहला सलाम करा तेनू मेहरबान मैं तो जी बेवकूफाना भी हरकतां कीतियां फिर नहीं मन्नी मैं कहा चाह दे नाल दो साबण गर्म कर लिया ओ नहीं कहंदी इह की बच्चे वालियां हरकतां ने ये बेवकूफों की हरकत नहीं है जाहिलों की हरकत है जाहिलों की हरकत है ये आके घर में मर्द बनते हैं मुझे मारते हैं ये देख ये लाशें देख मैं नहीं देखूंगी दराजा पीछे हो जाए आप मैं फिर अपनी मर्दानगी बाहर छड़ के गया घर जाते मैं गाना लाया मैं गाना उत्ते नचना शुरू करता मैं मेरी मर्दानगी बाहर पई बेगम ने दाद देने की बजाय तो पैसे सुटना पे 1800 रुपया मैं उस दिन अपनी बीवी को वटे है बस फिर जड़ी मर्दानगी तो बाहर छड़ गया ना तेरी बीवी जा गई सी नहीं सर होना की हाल है नहीं मर्दानगी को बाहर छोड़ने का मतलब अंदर नाचने लगेंगे आप औरत को आप सिंबलाइज करते हैं नाचने से उन शो तो ये करना कि मैं हूं मर्द नहीं उनका मतलब है कि बिकम सेंसिटिव ना हां बिकम जल्दी गल बता उधर 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 अच्छा जी गल के दुख बहुत बुरे होंगे ने बेगम घर से लड़ गए पाजी बंदा पूरी दुनिया ने लड़ सकता घर कली बेगम तो ना नहीं ला सकता मैं तंगा नहीं ला सकता ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम ये समझते हैं बाहर जब आप मौशरती जंग लड़ रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए जब हम घर आते हैं अगर हम उस जंग को बाहर छोड़ दें और बीवी के साथ मियाँ और मियाँ के साथ बेगम मोहब्बत से बात करें और मोहब्बत से रिस्पॉन्स जितनी मर्जी मोहब्बत ना गल करो ये शक नहीं जाता ये औरतें ऐसे ऐसे शक कर दिया ने के बंदे दी अकल दंग रह जाती क्या मतलब बंदा दो मिनट करवट लाके नहीं, नहीं वो औरत कभी शक नहीं करती सर
और आप लिखे तुम आप लिखे और शक मोहम्मद वो यकीन करके हम डालते हैं इन्होंने लिखा है कि शक औरत का बुनियादी हक है और शक औरत अपने जहेज में साथ लेकर आती है। अब ये देखें इनको कोई फिक्र है टाइम हो गया दानिश तुम उन्हें स्कूल से आना नहीं लेने जा रहे रहन दियो जेड़ा लाए केड़े केड़े बंदे नु हुन दाखिल करा रही है अच्छा लोका दे पैसे चोरी हुंदे दानिश जावा स्कूल दानिश दा मुंडा इना दा हुसन चोरी होया है सारे गल पता गल की हुण ते मैं सारे फैसले करके वेख ले मेरा किधरे वास नहीं चले अगला अच्छा मैं सब मैं पाजी अपना अमीर खानदान दा मैं बच्चा पित्तल दी कलाशन कोफ सी 12 बंदे मेरे वाल दे मोहतरम दे पिछे हुंदे सी ते अब्बा जी ने कल्ले सामने खलो के 7 mm भर के इंज भी होनी दे राजा मेरे ये जो बात कर दूरों दूरों लोग आगे मतलब सलामियां फड़ाने होंगे सी दुश्मन ने फिर वो सलामियां मार दे सन दादा जी बड़े बड़े चोर सन उन्होंने बरात सारा खाना सी बाजे च लुका लिया वड्डे पित्तल दे बादे विच दाल भी पा ली ओहदे च इन्होंने नान भी पा लिया ओहदे च बारबेक्यू भी पा लिया चटनियां भी पा लिया मुड़ के बह गया एक बंदा आया सी उन्हें पीती सी कहिंदा वाजा बजाओ कहिंदा भाजी मेरा पेट खराब है उन्हें वाजा बजाया सारा खाना खुल के जंज दे कपड़िया च पिया लोगों नूं पता लग गया भी गल की है ए भी बेचारा इन्हू भी जंज जंज चो मार पई इन्हू टैंक दे विच वड़े विच कुलचे लाउण लग पिया राड़ के कड़ने आसी जंज ये बाजी वाले है ना अभी अपनी सियासी पार्टी बना रहे हैं पाकिस्तान पित्तल पार्टी उनकी मर्जी का परफ्यूम कोई चॉकलेट क्यों खलील साहब बहुत अच्छे परफ्यूम लेके गया परफ्यूम सस्ता सी उन्हें अपने ले लेनु लाता सारा तुम्हें बात सुनो ये शूज ही पहने है या सफेदी करके आए अच्छी स्मेल है केड़ी जेड़ी तेनु लाई उन्हें दूसरी औरत क्या बात कभी भी नहीं जाना शोहर को निकालिए बाहर जी 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 शोहर को मैंने अपनी बीवी से कहा और पुत्र निकाला मुझे 2-3 दफा ना करे मैंने उसको पहले दिन कहा कभी घर छोड़ के नहीं जाना सारी रात चौकीदार ने बेटे तुम रूम अवेलेबल करोगी मैं आपको सही बोल रहा हूँ समथिंग वेरी सीरियस वन इज दैट अच्छा मैंने कहा मुझे निकालना फिर मुझे निकाला उसने चले गए हाँ मैं चला गया 2 घंटे लाग गया बस तो सही बात हमने बहुत कुछ माफी मांगी भाई बहुत कुछ सीखा आपने माफी मांगी आपने ये कहा होगा मुझे क्यों निकाला नहीं मैंने नहीं कहा मैंने कहा माफ कर दे बस उन्होंने कहा मुझे सही निकाला दिस इज व्हाट देखिए आप याद रखिए औरत की वफादारी के सामने उसके पैरों तक झुक जाइए यहाँ इतनी शादियों के बारे में बात हो रही है आप शादियों का हशर भी देख रही हैं तो आप चाहेंगी कि इस रिश्ता इस दवाज में जब आप जाएं तो आपका जीवन साथी इन जैसा हो या इन सर मेरी तरफ इन जैसा हो इनकी भाग गई है ये जो दो नमूने इधर उधर खड़े इन, इन, इन अच्छा मिस पाकिस्तान से बात कर रही हैं आप जी मैं समझे हूँ उन्होंने कपड़ा पाउन लगे होके बोल रही नहीं हमारी एग्जाम्पल क्यों इधर आ जाओ लिया बीबी चौके सुखी जगह आप गिली जगह जगह गिली कौन करता है मैनू की मैं मास्क किया लाया अच्छा मेरी बात सुने उनको जवाब देने ने आपका बिल्कुल दिमाकन खराब हो गया जा जाके चैली पा दी पी पता नहीं कितने पहले ढोल बजाते ढोल चलाते पता नहीं क्या आंडी पका आलू पका ले
आलू आंडे होंगे आवाज भी सादे वाले का मुंडा उन्हें मंगाए सादक वाजे वाले का पता नहीं कितने कभी पा दी चैली पूछी नहीं तुम पागल है इग्नोर करी आपकी फजूल बातें अगर हो गई है सवाल कर अपने आप बेवकूफ तो अगले हुशियार नहीं समझी जाता अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है समझो बारिश होने वाली मंजियां तो कोठे ला लो अच्छा इनकी तुतमुत नहीं खत्म होनी आप बताइए कि आपका जीवन साथी कैसा मैं चाहती हूँ कि जो मेरे लाइफ पार्टनर हों बहुत लॉयल हों और सबसे ज्यादा कि वो औरत की इज्जत करना जानते हों क्योंकि जो नौकर है कोई ऐसी गल नहीं सिर मथे सुबह शाम जुतियां मारो फिर भी मुझे ये नहीं चाहिए फिर भी मुझे ये नहीं चाहिए मैं कुछ और कैटेगरी की बात कर रही हूं अल्लाह ने हमारे अंदर वैरायटी अभी तक आई कोई नहीं ये मुझे बोलने नहीं मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या चाहिए आप बोले 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 आप बोले बोले जी बोले कुकड़ी पाड़ के सर ते पाई क्वालिटी तू भी बोल देना इनिया क्वालिटी ना फिर जन्नत की क्वालिटी एक बंदे अभी तो मैंने अभी तो एक ही बताई कि लॉयल होना चाहिए मर्द लॉयल होवे तो बाकी खूबियों का जिक्र भी नहीं करना चाहिए ये नायाब हो गए शायद लॉयलिटी नायाब हो गई देखो खलील साहब शादी नहीं कर रहे उन्हें आप जेवर पा लिया मुंडे वाले देखने आ रहे और उन्होंने कहने तेन देख लागे अगले हनीमून ते कला चला गया खर्चा बहुत हो जाए साडे राइडर भाई ने बैठे वे वे वाल लैके कल ही रात नू घर की बत्ती बंद करके लवालिया की जोगनी वेलकम बैक खवातीन हजरात खलील साहब आप हो मलिका हुसन बैठी हूँ पाकिस्तान की और महफिल भी जमी हूँ और शायरी ना हो ये कैसे हो सकता है तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है चाहने वाला खरीदार भी हो सकता क्या है वाह 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 अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख क्या बात तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है वेरी नाइस वेरी नाइस इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी प्यार जिंदा तो सरेदार भी हो सकता है क्या बात वाह वाह उसका मंजूर नजर कौन है मालूम नहीं मुकर्रर सर मुकर्रर उसका मंजूर नजर कौन है मालूम नहीं मुझसे कमबख्त गुनेगार भी हो सकता है क्या बात वेरी गुड राखी सूरज के मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले मुझसे एक रोज तुझे प्यार भी हो सकता है बहुत अच्छा ये मासूम से आशिक की ख्वाहिश है कि मुझे बचा के रख ले मुझसे इश्क भी हो सकता है तो आपको ऐसे लव लेटर्स वगैरह मिलते रहते होंगे अक्सर लव लेटर कोई खून में डूबा हुआ लव लेटर भी मिला आपको नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक कोई सच्चा फूल बुके ये सब चीजें मिलती हैं लेकिन खून से लिखा हुआ लेटर नहीं मिला आज तक वेट करो इंशाल्लाह आने वाले लगता है अच्छा आप ने अभी रिसेंटली पेजेंट विन किया है बताइए कोई फिल्म वगैरह कोई टीवी का कुछ ऑफर हुआ है आपको बस इंशाल्लाह इन अभी ये विन किया है पेजेंट तो यही अब नेक्स्ट है कि आगे ड्रामास में
और ये शोबिज में ही करियर बनाना है, तो इंशाल्लाह कराची और यहाँ जाने और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ऑफर्स हो रहे हैं और देखेंगे इनमें से क्या करना है और कैसे आगे करियर को परस्यू करना है। चलें, दैट्स ग्रेट जी। अच्छा, हमारा सेगमेंट है उर्दू है जिसका नाम, और अहमद फराद आज अदबी लताइफ और अदीबों के लताइफ के बारे में बात करेंगे। जी अहमद जी। आशा, आज जो पहला लतीफा है वो है फराज साहब का, और फराज साहब हमारे लेजेंड और महबूब रुमानवी और मजामती शायर थे। लतीफ़ा कुछ यूँ है कि किसी रोज़ आधी रात को किसी साहब ने फराज साहब को तंग करने के लिए फ़ोन किया। अच्छा। तो जब घर के किसी फ़र्द ने फ़ोन उठाया तो पूछा, तो उसने बताया कि फराज साहब से बात करवा लें। तो जब फराज साहब गए और ज़ाहिर उनको बड़ा ये नागवार गुजरा कि आधी रात को एक आदमी फ़ोन कर रहा, पता नहीं क्या कर। तो जब उसने तारुफ वारुफ करवा लिया तो फराज साहब ने पूछा, बताइए किस लिए आपने फ़ोन किया। तो उसने कहा, जी फराज साहब आपसे एक बड़ी मुश्किल बात में फंसा हूँ, तो वो पूछना चाह रहा था। फराज साहब ने कहा, पूछिए। तो वो कहने लगा कि फराज साहब ये बताइए कि ये जो लफ्ज़ कह कहा है ये कलम वाली काफ से है या कुत्ते वाली काफ से। तो फराज साहब ने बरजस्ता जवाब दिया, देखो भाई अगर वैसे होता तो ये कलम वाली काफ से है, लेकिन अगर कह कहा तुम्हारा है तो फिर कुत्ते वाली काफ से है। वाह। अच्छा जी, दूसरा जो लतीफ़ा है ये फिर दो बड़े शायरों से मुतालिक है, और दोनों बड़े करीबी दोस्त थे। एक नासिर काजमी, गज़ल का बहुत बड़ा नाम, और दूसरा हमारे एक बड़े जो है वो मारूफ और बड़े हरदिल अजीज़ जो इंडो पाक में मजामती शायर हबीब जालिब साहब। क्योंकि बेतकल्लुफ़ दोस्त थे, तो खलील साहब जानते हैं कि बेतकल्लुफ़ दोस्तों में शायरों में ये लगी रहती है ये। तो एक रोज़ हबीब जालिब साहब ने नासिर काजमी साहब से कहा कि नासिर, मैं जब कभी कहीं तुम्हारी गज़ल लिखी हुई या छपी हुई पढ़ता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि काश ये गज़ल मेरी हो। तो वो नासिर साहब ने बड़ा शुक्रिया अदा किया, और जाहिर है तो सिर्फ उस ताज पे बंदा जैसे करता है। तो कुछ देर गुजरी तो हबीब जालिब साहब ने जवाब आ गज़ल के लिए उनसे कहा कि यार नासिर, जब तुम मेरी गज़ल कहीं छपी हुई पढ़ते हो तो तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आता है। तो नासिर साहब ने कहा, यार मैं जब कभी तुम्हारी गज़ल की छपी हुई पढ़ता हूँ तो शुक्र करता हूँ कि इसके नीचे मेरा नाम नहीं लिखा। अच्छा। फराज साहब, एक बात है कि ये पिछले दिनों आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में ये कहा गया है कि हबीब जालिब साहब शायर नहीं थे, मजामत तो सारी जिंदगी मजामत करते रहे, वो तो जलसों के शायर थे। तो क्या आफ्ताब इकबाल साहब को जेब देता है कि इतने बड़े शायर के बेटे हैं और खुद भी अदब के मदा हैं और वो ऐसी बात अपने प्रोग्राम में कर दे? देखिए, ये मेरे ख्याल में बहुत जरूरी था कि हम इस पर कुछ बात कर लेते। देखिए, उसी क्लिप के अंदर बुनियादी तौर पर एक साहब जो वहाँ बुजुर्ग बैठते हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर बात कही कि जब कसौटी में जब शख्सियत जो है वो हबीब जालिब की आई, उन्होंने बूझ ली, तो उसके बाद उन साहब ने कहा कि वो तो शायर ही नहीं है। तो आफ्ताब साहब ने ये कहा कि हाँ वो तो मजामती शायर थे, फिर कहा नहीं वो तो जसूं के शायर, वट एवर, उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो शायर नहीं है। लेकिन जब एक साहब ने उन्हें लुकमा दिया कि वो शायर नहीं थे तो उन्होंने उसकी ताईद की, और ताईद में कुछ बात नहीं की। मैं दो तीन गुजारिश था, उन्होंने खुद नहीं कहा, उनके प्रोग्राम में किसी ने कहा है, तो ये बात की हम उनसे पूछ सकते हैं। इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, आफ्ताब इकबाल जो है वो मौलवी है जिसके हाथ में माइक आ गया हुआ है, वो कुछ बोल देता है, अगले किसी प्रोग्राम में माफ़ी मांग लेगा। उसने पहले सुल्तान राय के हवाले से नहीं माफ़ी मांगी थी। तो ये एक सिलसिला जब माफियों का शुरू हो जाता है तो फिर आदत पड़ जाती है। इसमें एक अहम बात खलील साहब ये है, उन्होंने ये कहा है घबराओ मत, छोड़ दो बस। लेकिन क्या ये रवायत अच्छी है खलील साहब? घटिया रिवायत है भैया, आपकी जुर्रत है कि आप इतने बड़े आदमी की तौहीन करें? नहीं, उसी क्लिप में वो कह रहे हैं कि जो बड़े शायरों के नाम लिए, आपके छोटे हो जाने, आपके छोटे हो जाने से कोई बड़ा आदमी छोटा नहीं होता। तो ये छोटे पद का मजा रहा है। लेकिन खलील साहब उन्होंने कहा कि फैज का नाम लिया तो आप कहिए मुझे वो अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल, आपके पास राइट है, आपके पास ये सनद किसी तरह नहीं आती कि आप कैटेगोरिकली ये कह दें कि वो ना शायर है। ये अल्लाह माफ करे, कोई तकबर का हलूल है उसके अंदर, और अल्लाह उसको बचाए, वो अच्छा बड़ा आदमी है। आई विश के वो छोटेपन का मुजाहरा ना करे। छोड़ दीजिए उसको, उकाड़ा से लखनऊ का रास्ता बड़ा लंबा है। अच्छा,
मैं आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग कि चलिए आप लताइफ के बारे में बात कर रहे थे. मैं आपको लतीफा सुनाता हूं. लतीफा नहीं, हमारे यहाँ जो ये जो बदकिस्मती से हमारे बड़े शोरा भी थे जो एक दूसरे को नहीं मानते थे, ये रिवायतों ने जन्म लिया और आज हम यहाँ तक पहुँचे. अल्लाह, दोनों बड़े शायर थे और क्या भला के शायर थे. लेकिन मुनीर दनियाजी साहब खतील सिफाई साहब को नहीं माना करते. एक दिन एक बंदा वो बुके शुके ले गए, वो मिठाई मिठाई ले गए, वो पार्टी हाउस चढ़ा तो रस्ते में ये सीढ़ियों पर खड़े अल्लाह गरी के रहमत करे मुनीर दनियाजी साहब सिगरेट पी रहे थे. मैंने जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, वो मैंने खतील सिफाई साहब से मिलना है. मैंने कहा वो बैठा होगा अंदर चाय पी रहा होगा. वो चला गया. वो वहाँ से मिल मिला के जब वापस आया तो वो फिर सीढ़ियों पर खड़े थे, वहाँ सिगरेट पी रहे थे. तो आके वो पूछता है जनाब आप भी शायर हैं? कहते होर की मैं खतील सिफाई हूँ. घर में भी देखे ना आपका अपनी बेगम शायर के पास चली आला, ये बुरी बात है. बायस होता है. शायर के पास शायद कोई हक है कि वो किसी को कह ले, फिर वापस जवाब में सुन लेगा कि तुम भी नहीं हो. तुम भी नहीं हो, सही बात है. लेकिन आप एक नॉन शायर आदमी, अल्लाह माफ करे, आप नहीं करना चाहिए आपको. आपको अपने जहाँ अल्लाह ने आपको दिया हुआ है वहां तक रहिए. उस डोमेन से बाहर फलांगे मारने की कोशिश करेंगे तो कोई उठा के अंदर वापस फेंक देगा आपको. और ये तो करता है. उसकी बदकिस्मती है कि वो अचानक इतने अच्छे काम करता करता एक ऐसा घटिया काम करता है जिस पर अगले प्रोग्राम में उसको माफी मांगनी पड़ती. सना, आप मोहब्बत के बारे में क्या ख्यालात रखती हैं? शादी अपनी मर्जी से करेंगी घर वालों की? देखिए, मैं दोनों पे यकीन रखती हूँ. अरेंज मैरिज पे भी यकीन रखती हूँ, लव मैरिज पे भी यकीन करनी थी. कहना तुझे होता दसो. जो किस्मत में होगी, जो किस्मत में होगी, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह शादियां कराता है. अल्लाह की तरफ से जो जिंदगी में होगा वो मिल जाएगा. खलील साहब का जवाब देना. ये किस्मत विस्मत, ये अल्लाह को ब्लेम करने के तरीके हैं. आपने खुद ही शादी करनी है, आपके घर वालों ने करनी है, उसमें आपका कसूर होगा या घर वालों का होगा? अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई गलती होगी तो. मुस्लिम, मेरा ट्रस्ट ये है कि अल्लाह ताला जो भी मेरी जिंदगी में, अल्लाह भाई शादियां नहीं कराता, खुदा के वास्ते आपकी मेहरबानी है. आपको ओपन अपॉर्चुनिटीज दी हुई है. हाँ जी, तो वही ना, अभी मोहब्बत, अभी मोहब्बत हकीकी जिंदगी में मेरी लाइफ में नहीं आई है. अच्छा जी, ठीक है. और ना फैमिली की तरफ से कोई ढूंढा हुआ. लेकिन दिल से क्या चाहती हैं कि दिल से आपके दिल से क्या आवाज आती है कि मोहब्बत करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए? असल सवाल तो ये. दिल से मैं चाहती हूँ कि बस शादी हो जाए. अच्छा, बस क्या हो जाए, क्यों भी हो जाए, शादी हो जाए, अच्छा शख्स हो लाइफ में और आपकी जिंदगी अच्छी हो. अच्छा, मोहब्बत लेकिन वो आएगा कैसे? मैं मोहब्बत से ताल्लुक है लेकिन वो जिंदगी में आएगी. जब मिलेगी तो मैं ज्यादा यकीन रखूंगी मोहब्बत पर. अभी तक उस तरह की मोहब्बत आई नहीं मेरी जिंदगी में. मैं कहूँ कि वो शादी की तरफ जा सकती है. अच्छा, बिल्कुल. खवातीनो हजरात, हमारा सेगमेंट है न्यूज मॉर्टम. और अलवी साहब वैसे तो सभी जानते हैं, नाम से बड़ा समझते भी हैं, सुनते भी हैं, सर्च भी कर चुके हैं फेमिनिज्म क्या होता है. लेकिन अगर उसे आम जबान में, आम इंसान के लिए इलैबोरेट किया जाए तो फेमिनिज्म क्या है, उसे जरा डिटेल में एक्सप्लेन करें. देखिए आयशा, फेमिनिज्म जो वर्ड है इसको मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ नजरिए रखते हैं. हमारे यहाँ इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, इसका बुनियादी मकसद तो हकूक नस्वा है, इससे तो इनकारी नहीं है हर माशरे में इसके. अब इसके नाम पे कुछ चीज़ें ऐसी पिछले दाइयों में पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गई हैं कि जिसकी वजह से कुछ इस वर्ड के बारे में खसूसी तौर पर, यानी हकूक नस्वा जो बुनियादी इसका नुक्ता है उससे तो कोई एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन इससे जुड़े कुछ वाक़ियात और ख़ास तौर पर जो 8 मार्च को इसके हवाले से एक ऐसे जलसे जुलूस होते हैं जिसमें कुछ खवातीन आती हैं तो उस पर कुछ एतराज़ किया जा रहा है. लेकिन बुनियादी तौर पर फेमिनिज्म का मतलब ये है कि हकूक नस्वा की बात की जाए, औरतों को हकूक दिए जाएं, उनका इतसाल न किया जाए और जिंदगी के हर शोबे में उनको इज्जत एहतराम के साथ शामिल किया जाए. अच्छा, यानी हकूक नस्वा तो एक बड़ी पॉजिटिव बात है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखती है. फिर हमारे यहाँ इसको इतना नेगेटिव परसीव क्यों किया जाता है? कुछ लोगों की वजह से तो ये नहीं है. देखें, ये आशा ऐसी बात ही है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं ये बेसिकली एक इस्लामी माशरा है. हम मुसलमान हैं सब, तो हमने हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे यहाँ जो भी हो वो इस्लाम के अंदर हो, उसके अकदार और फिर माशरती अकदार के अंदर हो, उससे बाहर ना जाए.
अब वही बात दोबारा मैं दोहराऊंगा कि हकूक नस्वां के हवाले से कोई तहरीक चलती है, कोई बात होती है, कोई जलसा जुलूस होता है, कुछ लोग इस तहरीक में शामिल होते हैं, तो उस पर तो कतई एतराज नहीं है। लेकिन इस नाम पे अगर चंद लोग, आप कोई ऐसा ग्रोह या जैसे एनजीओ का नाम लिया जाता है, कोई ऐसे लोग हैं कि जो औरतों को मर्दों के सामने ला खड़ा करते हैं, जैसे हो रहा है दो चार साल से बड़े शदोमत से आप देख रहे हैं हमारे यहाँ माल रोड पे भी, हर शहर में तकरीबन ऐसी सूरतयाल होती है, तो अगर ये सूरतयाल ना हो इस तरह की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूक नस्वां के हक में हर आदमी है, हर शहरी है, हर मकतब फिक्र के लोग इसके हक में है। तो ये तो फिर बायोलॉजिकल मसला ना हुआ ना, ये नहीं ये तो किसी ने कहा है नहीं है, बायोलॉजिकल मसला नहीं है, ये एक सोशल मसला है। बायोलॉजिकल इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने औरत को भी उसी तरह ही अफजल पैदा किया है, क्योंकि अल्लाह ने कहीं पे ये नहीं कहा कि मर्द को मैंने पैदा किया है या औरत को। इंसान को अफजल अल मखलूकात कहा गया, वहां तो इंसान का वर्ड यूज किया गया है, वहां तो तफरीक ही कोई नहीं है ना कि आप कहें कि औरत के लिए, ये बात नहीं है। कतई तौर पर यह बायोलॉजिकल मसला नहीं है। देखें, ये माशर्ती मामला है, माशरे में हमने औरत को किस मकाम पे रखना है, और दूसरा पहलू इसका कि औरत ने किस मकाम पे आना है। दोनों तरफ से रास्ता मिल रहा है, आ रहे हैं। अब हमारे जैसे माशरे के अंदर आप देखें कि दुनिया की सबसे पहली वजीर आजम जो है, यानी इस्लामी दुनिया की, बेनजीर भुट्टो आई, कहीं रुकावट तो नहीं है। देखें, कहीं भी रुकावट नहीं है। आप अगर औरतें आना चाहें तो भी रुकावट नहीं है, और मर्द उसको स्पेस दे रहे हैं। आप यूनिवर्सिटीज में देखें, ज्यादा आपको लड़कियां मिलेंगी, लड़के कम मिलेंगे। लेकिन सर वो तो बात एक कंप्लीटली डिफरेंट है कि यूनिवर्सिटीज में वो तो मेरिट के ऊपर बच्चियों के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, वो पढ़ ज्यादा लेती है, इस वजह से। देखें, उसमें भी क्रेडिट फिर मर्द को जाता है। जब आप कहते हैं ना मर्द ने पढ़ने दिया, उसको घर में वक्त भी दिया, उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसकी फीस भी अदा की, उसको इजाजत भी दी, ये इसी को हक कहते हैं, हक तालीम। लेकिन उसमें एक और सवाल उठाते हैं ना ये लोग, ये सवाल करते हैं कि देखिए ये तो बुनियादी हक है, तो ये हक मर्द ने नहीं देना कि वो पढ़ ले, ये तो हक मुआशरे के अकदार, मुआशरे के फैब्रिक का हिस्सा है कि जैसे मर्द तालीम हासिल करते हैं वैसे औरतें भी तालीम हासिल करें, आगे बढ़े। तो यही तो बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर हकूक हासिल है, कहीं से ये तो नहीं कहा जा रहा कि दिए जाए, हासिल है जी, यानी तालीम का हक हासिल है, हासिल है तो हासिल है तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लाजमी बात। तो इसीलिए इस बात को कहा जा सकता है कि ये किसी तरह भी कोई बायोलॉजिकल मसला नहीं है, ये एक समाजी मामला है। और समाजी मामला भी इस तरह है कि यहाँ पे हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर औरत किसी भी मैदान में आगे आना चाहे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मतलब आप किसी भी शोबा में आप चले जाएं, औरतें बल्कि आप बाज जगहों पे मर्दों से ज्यादा आ रही हैं। अलवी साहब, लेकिन उसमें यह है कि देहात और शहर का बड़ा फर्क है। देहात में अपॉर्चुनिटीज औरतों को नहीं मिलती, उन्हें मतलब थोड़ा सा तंग भी किया जाता है, काम करने से, पढ़ने से रोका भी जाता है। शहर में जाहिर है ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, शऊर वाले माँ बाप हैं, वो इजाजत भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो माइंडसेट है उनका, उसे उस पे बहरहाल एक लंबी डिबेट है। अलवी साहब, आपके लिहाज से फेमिनिज्म की कितनी एकसान है? देखिए, दुनिया के अंदर फेमिनिज्म को तीन पैरामीटर्स पे देखा जा रहा है, तीन किस्म की एक्साम है। सबसे पहली किस्म जो इस वक्त बहुत आम है वो है सेकुलर फेमिनिज्म। अब सेकुलर फेमिनिज्म का मतलब ये है कि औरतों के ऐसे हकूक जिसमें किसी मजहब का ताल्लुक ना हो, मजहब से बाला, अगर मजहब किसी चीज से मना करता है, रोकता है, लेकिन अगर वो नस्वानी हकूक के अंदर आता है, ये लोग बात करते हैं, तो वो उसके रुकावट नहीं बनेगा। अच्छा जी। और दूसरा जो है वो इस्लामिक है। अब इस्लामिक फेमिनिज्म से मुराद ये है कि जो भी खवातीन को हकूक दिए जाएं वो इस्लामी कवानीन और इस्लामी अकदार के अंदर हों। अच्छा जी। और हमारे यहाँ भी इसी को सपोर्ट किया जा रहा है। और तीसरा रिफॉर्मर्स का है। ये अभी ये जो रिफॉर्मर्स वाला जो फेमिनिज्म है, ये बेसिकली अभी जो है ये एकेडमिक लेवल पे है। ये देखा, यानी रिफॉर्मिस्ट ये चाहते हैं कि ऐसा, यानी हकूक नस्वां की को तरतीब दिया जाए, ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए कि जिसमें वो अपने जो इकदार है उस पर भी कायम रहें, अपने मजहब के इकदार पर भी कायम रहें, लेकिन खवातीन के हकूक पर भी हर्फ ना आए। तो मेरे हिसाब से तो जो थर्ड रिफॉर्मिस्ट वो है, पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिज्म, वो बेहतरीन
इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर स्कॉलर काम कर रहे हैं जी। और जितना भी आज तक ये जेंडर स्टडीज के ऊपर लिखा गया है उन किताबों को यकजा करके रिफॉर्मल वाले ये चाहते हैं कि हम इनमें से ऐसा कोई हल निकालें कि जिसमें ये फेमिनिज्म ये मुतनाजा ना हो। लेकिन अलवी साहब ये तो हो गया ना, दुनिया की बात हो रही है, पाकिस्तान के हवाले से अगर खासतौर पर बात की जाए तो इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान फेमिनिज्म को जब नाम ही लेते हैं तो लोग, पढ़े लिखे लोग भी भड़क जाते हैं, तो और लोग ओन भी नहीं करते, यानी खवातीन भी ओन नहीं करती, नहीं नहीं मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मतलब ऐसे बुरे अल्फाज और ऐसी बुरी रिप्रेजेंटेशन हो गई है फेमिनिज्म की कि कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई जिसे कहते हैं वेल नोन इंसान फेमिनिस्ट होने को ओन ही नहीं करता है। देखिए ये रिएक्शन है जी, ये किस चीज का रिएक्शन है, ये जो 8 मार्च को या मार्च के पहले हफ्ते में हकूक नस्वां के हवाले से मार्चेस होते हैं। सर मार्च का होना तो कोई बुरी मैं बात नहीं, उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने पहले भी अर्ज की कि पूरी दुनिया मार्च करना, तहरीक चलाना, बात करना, किताब लिखना, मजमून लिखना या उसके लिए वर्बली उसकी एडवोकेसी करना, ये कोई बुरी बात नहीं है जी। लेकिन ये भी तो देखें कि जो वहां पे मार्च के दौरान डिस्प्ले आ रहे हैं, अब मैं वो चीजें बार बार दोहराना नहीं चाहता, कई ऐसे मुतनाजा फिक्रे हैं। देखें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बीच में आपको एक ऐसा जेस्चर दे दें कि जिससे अवामन नास को लगे कि यार ये बात ठीक नहीं है, तो इनको जो 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 भी ये तहरीक चला रहे हैं इनका ये काम बनता है कि कम अज कम माशर्ती इकदार के अंदर रह के ये काम करें। अच्छा अलवी साहब, एक आध पोस्टर या दो पोस्टर्स पूरी मार्च में उठा लेना, उनको हाईलाइट कर देना और बाकी सारे जो पोस्टर्स औरतों के हकूक के लिए उनको इग्नोर कर देना, ये मनफी भी आप यूं कह लीजिए कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। ये नहीं है कि तमाम लोग उसी सोच के साथ, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो मनफी प्रोपेगेंडा है जी, आप भी मीडिया से ताल्लुक है, मेरा भी मीडिया से, खबर वही उठाई जाती है जिसमें मनफी पहलू ज्यादा होता है, तो वही ब्रेकिंग। अब नेगेटिविटी इसमें से अगर ये नेगेटिविटी का एलिमेंट खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल में मेरे मुल्क का हर बंदा इस तहरीक के अंदर शामिल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इस मार्च के बाद और इस मार्च के हाईलाइट होने से एक जंग तो और एक बहस तो छड़ी है ड्राइंग रूम से। अच्छा तो आप ये लेकिन भी लेकिन सर जो औरतों के खिलाफ जुल्म है या जुर्म है या तशद्दुद है या जो हकूक सलवी है वो खत्म नहीं हुई ना, कम हुई है बल्कि बढ़ गई है। ये बात आपकी ठीक है कि हकूक के लिए जंग लड़नी चाहिए जी, ये हर औरत का बुनियादी हक है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो तालीम है। अब ज्यादातर शहरी इलाकों में इन चीजों की, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि हकूक बहुत ज्यादा मयसर है, अब अगर देहाती एरिया की जैसे आप बात करते हैं तो वहां पे तालीम की कमी है, तरबियत का फुकदान है, तो मैं दोबारा यही कहूंगा कि तहरीक जरूर चले, चलनी चाहिए, वक्त की जरूरत है, खवातीन के हकूक के लिए प्रचार होनी चाहिए, लेकिन मैं दस बस्ता गुजारिश करूंगा कि जो नेगेटिव इसके अंदर नेगेटिविटी है वो कौन इंजेक्ट कर रहा है उसको सेंस करें और उस नेगेटिविटी को जो है वो एलिमिनेट करें। जब तक आप नेगेटिविटी को एलिमिनेट नहीं करेंगे बल्कि इस नेगेटिविटी की वजह से जो पूरी तहरीक है उसका जो एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था वो नेगेटिव में बदल गया। चलिए बात इस उस पे आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने फेमिनिज्म का हाल देख लिया है कि कुछ लोगों के हाथ चढ़ी है और उसके रिपरकशंस पूरा मुआशरा देख रहा है। हम दुआगो हैं कि ये तहरीक किसी पॉजिटिव फॉर्म में जी बिल्कुल खवातीन के हुकूक सलबी ना करे, हुकूक हासिल करने में उनकी मदद करे, उनकी मदद। खवातीन हजरात इसी के साथ टेकिंग अ ब्रेक है, वक्त हुआ है आज के गाने का जो अफीफा हमें अपनी आवाज में सुनाएंगे। एनी खालिद ने कुछ साल पहले एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाया था, तूने ऐसी अदा से मुझे देखा। ये गाना ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत फेमस हुआ। आज अफीफा अपनी आवाज में हमें ये खूबसूरत गीत सुनाएंगी जी। अफीफा को ही दिल में बसाया, तू ही है
बहुत ही खूब खवातीन हज़रात जी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपको इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज़।